हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पाइप में कनेक्शंस बनते हैं वो किस टाइप के होते हैं। पैरेलल कनेक्शंस हैं, सीरीज कनेक्शंस हैं, या करेक्शन फैक्टर जो है वो क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ पाइप। तो पहला टाइप है सीरीज कनेक्शन, यानी अगर आपने पाइप को जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सपोज़ ये डिफरेंट पाइप्स थे अलग अलग डायमीटर के, जिनको आपने जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सपोज़ ये पाइप वन है, ये पाइप टू है और ये पाइप थ्री है। इसकी लेंथ एल वन है और डायमीटर डी वन है, इसकी लेंथ एल टू है, डायमीटर डी टू है, इसकी लेंथ एल थ्री है और डायमीटर डी थ्री है। तो आपको पता है कि जो डिस्चार्ज आप यहाँ से फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज तो सारे पाइप में सेम होगा, और डिस्चार्ज इक्वल टू होता क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर डिस्चार्ज जो है वो सेम है, क्योंकि एक ही डिस्चार्ज आ रहा है जो सारे पाइप से होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया इंटू वेलोसिटी फर्स्ट पाइप में है वही आपका डिस्चार्ज कहलाता है। वो इक्वल होगा दूसरे पाइप में जो डिस्चार्ज के, यानी कि ए टू इंटू वी टू के, वही इक्वल होगा तीसरे पाइप के डिस्चार्ज के, यानी ए थ्री इंटू वी थ्री। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है और अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन सबकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अब सपोज हेड लॉस की बात करते हैं, तो जो टोटल हेड लॉस होगा सारे पाइप्स में मिला के, तो सपोज फर्स्ट पाइप में जब फ्लो हुआ तो कुछ इसमें फ्रिक्शनल लॉस हुआ, सेकंड पाइप में एल टू लेंथ कवर करने में कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा, फिर एल थ्री लेंथ कवर करने में कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा। तो सपोज फर्स्ट पाइप में जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ है हेड लॉस, वो एच एफ वन है, फिर दूसरे पाइप में जो एच एफ टू है, तीसरे पाइप में एच एफ थ्री है, यानी कि सारे पाइप में जो सीरीज में कनेक्ट है उनमें जो भी लॉसेज हैं उन सबको सम कर देंगे, तो टोटल हेड लॉस की वैल्यू जो है वो आपकी एच एफ आ जाएगी। अब सपोज अगर आप बात करते हैं इक्विवेलेंट पाइप की, यानी कि एक ऐसा पाइप आप बना दें कि एक कंबाइंड पाइप, इक्विवेलेंट पाइप बना दें, जो यानी कि जिसमें जो टोटल हेड लॉस है वो इस पाइप के टोटल हेड लॉस के इक्वल हो, उसकी लेंथ एल है और सपोज डायमीटर डी है, यानी कि वो पाइप जिसमें डिस्चार्ज भी सेम हो और हेड लॉस की वैल्यू भी उस पाइप में उतनी हो जो कि इक्वल थी सारे सीरीज कनेक्शन में जितने पाइप्स थे उनके हेड लॉस के सम के जो है उसमें उसके हेड लॉस के सम के इक्वल जो है वो टोटल हेड लॉस इक्विवेलेंट पाइप में हो। ठीक है, तो आपको पता है हेड लॉस की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू डी। अब यहाँ पे आपको पता है डिस्चार्ज सेम है, ना कि वेलोसिटी हर पाइप में इक्विवेलेंट में सेम थी, तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एल इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, यानी क्यू इक्वल टू ए इंटू वी होता है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू डी इंटू एरिया। तो एरिया जो है सपोज एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू डी इंटू किसी भी पाइप का, सपोज अगर डायमीटर कैपिटल डी है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाइप बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये टोटल कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब सपोज इन सारे पाइप्स को मिलाकर आपने एक ऐसा पाइप बना दिया जो कि इसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट पाइप, जिसकी लेंथ सपोज एल है और डायमीटर जो है कैपिटल डी है, वो एक ऐसा पाइप बनाया जिसमें डिस्चार्ज भी सेम है और हेड लॉस जो है वो उन सारे पाइप्स के हेड लॉस के सम के इक्वल है। ठीक है, तो वो पाइप आपका इक्विवेलेंट पाइप कहलाता है। तो सपोज अगर आप एच एफ की बात करें तो आपको पता है एच एफ इक्वल टू होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू डी अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ। तो एफ एल डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज पुट कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये टू जी इंटू डी। ठीक है, तो आपको पता है एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू डी, एरिया को आप लिख सकते हैं पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एट एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी इंटू डी टू द पावर फाइव। ठीक है, तो अब सपोज आपको पता है इक्विवेलेंट पाइप बनाया जिसका ओवरऑल हेड लॉस इन सब पाइप्स के हेड लॉस के सम के इक्वल था, तो अगर आप यहाँ पे एच एफ की वैल्यू पुट करें जो कि इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस है, उसकी वैल्यू हो जाएगी एट एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी इंटू डी टू द पावर फाइव इक्वल टू पाई वन जो कि सीरीज कनेक्शन में था उसका हेड लॉस कितना होगा, एट एफ एल वन, क्योंकि वहाँ पर लेंथ क्या थी पाइप की, एल वन, डिस्चार्ज तो सेम है सारे पाइप में,
पाई स्क्वायर जी इंटू डायमीटर है डी वन टू दी पावर फाइव। सिमिलरली सेकेंड पाइप में एट एफ एल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी इंटू डी टू टू दी पावर फाइव प्लस एट एफ एल थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू डी थ्री टू दी पावर फाइव डॉट 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 एन। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको एक वैल्यू मिलेगी एल अपॉन डी टू दी पावर फाइव, यानी जो फ्रिक्शन फैक्टर अगर सारे पाइप में सेम है सपोज, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या हो जाएगा एल अपॉन डी टू दी पावर फाइव इक्वल टू एल वन अपॉन डी वन टू दी पावर फाइव प्लस एल टू अपॉन डी टू टू दी पावर फाइव प्लस एल थ्री अपॉन डी थ्री टू दी पावर फाइव प्लस डॉट डॉट। तो ये अगर आप सीरीज कनेक्शन में पाइप्स को जोड़ते हैं तो अगर इक्विवेलेंट पाइप के टर्म में वैल्यू निकालनी है तो ये रिलेशन जो है आपको मिलेगा। अब सपोज नेक्स्ट कनेक्शन जो आता है आपका वो है पैरेलल कनेक्शन, यानी कि जो भी पाइप्स हैं वो आपने पैरेलली अरेंज किए हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ पाइप। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज कोई ये पाइप था, इससे जो है दो पाइप्स आपने सपोज निकाल दिए, ठीक है, ये पाइप जो है आपने एक पाइप ये निकाल दिया, दूसरा पाइप ये निकाल दिया, इसके बाद ये पाइप जो है यहाँ पे ये एग्जिट हो गया, यानी एक ये सेक्शन है ए और ये सेक्शन है सपोज बी। तो यहाँ पे ये मेन पाइप है जिसमें डिस्चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में फ्लो चला जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में फ्लो जाएगा, फिर कंबाइंड फ्लो जो डिस्चार्ज है वो आपका फाइनली यहाँ पर मिल जाएगा। तो सपोज ये पाइप जो है वन है और ये पाइप आपका सेकेंड पाइप है, तो यहाँ से जो ए सेक्शन से एंट्री हुई तो यहाँ पे कुछ सपोज डिस्चार्ज क्यू वन इस पाइप में चला गया, इस पाइप में डिस्चार्ज जो है क्यू टू चला गया। तो आपको पता है कि अगर दोनों पाइप जो है पैरेलली अरेंज है और उनकी लेंथ जो है वो सेम है, इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल हेड लॉस होगा वो दोनों पाइप में सेम होगा। तो जब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एट क्यू वन स्क्वायर एफ वन एल वन डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी टू डी वन टू दी पावर फाइव, जो कि इक्वल होगा पाइप टू में हेड लॉस के, तो एट एफ टू एल टू इंटू क्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी इंटू डी टू टू दी पावर फाइव। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आप ये मान लें इफ एफ वन इक्वल टू एफ टू, यानी जो फ्रिक्शन फैक्टर है दोनों पाइप में सेम है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एल वन इंटू क्यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वन टू दी पावर फाइव इक्वल टू एल टू इंटू क्यू टू स्क्वायर अपॉन डी टू टू दी पावर फाइव। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आपने कनेक्शन में पाइप्स को जोड़ दिया है तो उस केस में जो है पैरेलली अगर पाइप अरेंज है तो उसमें हेड लॉस इक्वल होता है और डिस्चार्ज जो होता है वो क्यू वन प्लस क्यू टू के इक्वल होगा, यानी दोनों पाइप में डिस्चार्ज के सम के जो है वो इक्वल होगा एक सिंगल पाइप में डिस्चार्ज। अब अगर आप लैमिनार फ्लो की वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करते हैं तो लैमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है पाइप में वो आपने देखा है कुछ इस टाइप का होता है कि ये सपोज ये पाइप है, ठीक है, ये सेंटर है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो है आपकी वो कुछ इस टाइप की डेवलप होती है, ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल कहलाती है। वही अगर आप मेन वेलोसिटी की बात करें तो सपोज ये तो आपकी यू प्रोफाइल हो गई, और मेन वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो सेम डिस्चार्ज को फ्लो करा रही है, क्रॉस करा रही है। तो सपोज मेन वेलोसिटी जो है वो आपकी ये रहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो वेलोसिटी है ये आपकी कहलाती है मेन वेलोसिटी, ठीक है। तो वही अगर आप टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है पाइप के केस में, वो उसका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस टाइप से रहती है कि स्मॉल, यानी कुछ फ्लैट रहती है, ठीक है, इस इनिशियली तो कुछ इस टाइप की आएगी, फिर उसके बाद ये कुछ फ्लैट रहती है, फिर ये आपकी इस टाइप की प्रोफाइल आती है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे यहाँ तक जो ये फ्लो हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस होती है लैमिनार सब लेयर की होती है, जिसमें कुछ फ्लो जो है आपका लैमिनार रहता है तो उसको लैमिनार सब लेयर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये फ्लो जो है वो आपका टर्बुलेंट रहता है। और वही अगर आप बात करते हैं मीन वेलोसिटी की, तो मीन वेलोसिटी जो है वो जस्ट आपकी कुछ इस टाइप की रहती है, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो है वेलोसिटी प्रोफाइल जो है आपकी वो बहुत क्लोज होती है मीन वैल्यू के, वेलोसिटी प्रोफाइल आर वेरी क्लोज टू मीन वैल्यू, ठीक है। वही अगर आप लैमिनार फ्लो में देखें तो बहुत ज़्यादा मीन वैल्यू के पास में नहीं रहती, क्योंकि मीन वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा पास में है और वेलोसिटी प्रोफाइल जो है बड़ी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी लगभग वेलोसिटी प्रोफाइल आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मीन वैल्यू भी उतनी ही अप्रॉक्स मिल रही है।
अब अगर बात करते हैं, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है इसको जो है बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को, और इसकी वैल्यू होती है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यानी बीटा जो होता है ये होता है आपका एक्चुअल मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम क्रॉसिंग पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जितना एक्चुअल मोमेंटम क्रॉस कर रहा है वो डिवाइडेड बाई मोमेंटम क्रॉसिंग, मोमेंटम क्रॉसिंग पर सेकेंड बेस्ड ऑन मीन वेलोसिटी, यानी मीन वेलोसिटी पर बेस्ड जो है जितना मोमेंटम पास हो रहा है वो उसका रेशियो एक्चुअल मोमेंटम टू मोमेंटम जो कि मीन वेलोसिटी पर पास हो रहा है, ठीक है, उनका रेशियो जो है वो आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो बीटा की वैल्यू जो है 4/3 होती है, जस्ट वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि बीटा की वैल्यू जो है 4/3 होती है ओनली फॉर लैमिनार थ्रो, लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, यानी कि अगर आप लैमिनार फ्लो की बात करें तो उस केस में मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 4/3 होती है और बीटा इक्वल टू 1.2 होता है, ये आपका होता है फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो ये वैल्यूज़ जो है ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा लैमिनार फ्लो की वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि आपको पता है मीन वेलोसिटी उसके उतनी क्लोज नहीं होती एक्चुअल वेलोसिटी के, इसीलिए जो है आपकी बीटा की वैल्यू ज़्यादा है। पर टर्बुलेंट फ्लो में आपने देखा कि मीन वेलोसिटी जस्ट क्लोज होती है एक्चुअल वेलोसिटी के, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम है क्योंकि रेशियो लगभग इक्वल आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म आता है आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो इसको जो है अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को, और अल्फ़ा जो होता है वो आपका होता है रेशियो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जितना काइनेटिक एनर्जी क्रॉस हो रही है एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड जो कि बेस्ड होती है मीन वेलोसिटी पर, ठीक है, बेस्ड ऑन मीन वेलोसिटी। तो ये आपका कहलाता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा की वो होती है 2 फॉर लैमिनार फ्लो, यानी लैमिनार फ्लो के केस में जो है अल्फा की वैल्यू 2 रहती है, और वही अल्फा इक्वल टू होता है 4/3 इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टर्म आता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, यानी पाइप्स के थ्रू जो है कितनी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो सपोज ये टैंक है, आपने यहाँ से जो है पाइप अटैच कर दिया और ये एच हाइट तक जो है इसका वाटर लेवल है। तो अगर आप ये बात करते हैं कि जो पावर है एट इनलेट, यानी इनलेट पर कितनी होगी, तो आपको पता है एम जी इंटू एच पर सेकेंड जो यहाँ पर मास है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रो जी इंटू क्यू इंटू एच में, ठीक है। तो ये पावर हो गई इनलेट पर, लेकिन वही अगर आप आउटलेट की बात करते हैं पता है ये तो इनलेट पार्ट हो गया, ये हो गया आपका पी आउटलेट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हेड है वो क्या हो जाएगा एच माइनस एच एफ, यानी जो फ्रिक्शनल लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा, तो टोटल हेड इतना बचेगा। तो आउटलेट पे जो हेड होगा पावर होगी वो कितनी होगी रो जी क्यू, और हेड कितना बचेगा एच माइनस एच एफ, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी होती है जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ईटा ट्रांसमिशन, ये होता है आपका रेशियो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो जो है वो आपका ईटा ट्रांसमिशन कहलाता है। इन आउटपुट मतलब जो आउटलेट पर इफिशियंसी है दैट इज रो जी क्यू एच माइनस एच एफ, अपॉन इनपुट पे जो पावर है दैट इज रो जी क्यू इंटू एच। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 - HF/H। तो ये आपका ईटा ट्रांसमिशन आ गया, यानी ट्रांसमिशन इफिशियंसी। तो अगर आप बात करते हैं फॉर मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके उस केस में एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए जो आपका फ्रिक्शनल लॉस होता है ये मैक्सिमम होता है H/3, ठीक है। तो इस केस में अगर आप मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी देखें
तो आपको मैक्सिमम इफिशियंसी जो मिलेगी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एच एफ अपॉन एच को आप क्या लिख सकते हैं 1/3, यानी 66.67%। मैक्सिमम आउटपुट मिलने के लिए जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो 66.67% होनी चाहिए, और उस केस में जो फ्रिक्शनल लॉस की वैल्यू है वो टोटल हेड का 1/3 जो है वो आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर हैमर इन पाइप्स। तो सपोज ये यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ से एक ये पाइप अटैच कर दिया इस टैंक से, ठीक है। तो सपोज इस पाइप की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, इनके बीच का जो डायमीटर है पाइप का वो डी है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही है, जो वाटर फ्लो हो रहा है पाइप में, उसकी वेलोसिटी स्मॉल वी है। यहाँ पर एक आपने वॉल्व लगा रखा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कुछ टर्म्स हैं ऐसे, सी इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी और प्रेशर वेव, यानी जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वेव की वेलोसिटी सपोज सी है, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ के अपॉन रो, जहाँ के बल्क मॉडुलस है और रो जो है वो डेंसिटी है फ्लूइड की। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप, के जो है बल्क मॉडुलस है और रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो सपोज अगर आपने सडन जो है वॉल्व जब क्लोज किया आपने, तो वॉल्व क्लोज करेंगे तो प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर जो वॉल्व पे जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, पूरे इंटायर पाइप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले वो एल लेंथ, सपोज ये पाइप की लेंथ जो है एल है, तो पहले ये एल लेंथ कवर करेगा, फिर ये वापस आएगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस प्रेशर वेव कवर करेगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्रेशर वेव। तो ये जो टोटल डिस्टेंस जो प्रेशर वेव ट्रेवल करेगी वो होगी आपकी 2L, क्योंकि एक बार L यानी इंटायर पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर वो वापस आई प्रेशर वेव, सपोज 2L डिस्टेंस कवर करी, और वेलोसिटी जो है प्रेशर वेव की C है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ प्रेशर वेव, यानी कितना टाइम पीरियड जो है वो प्रेशर वेव को लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा, 2L यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम पीरियड प्रेशर वेव को इतना लग रहा है। अब सपोज अगर आपने वॉल्व क्लोज किया, धीरे धीरे क्लोज किया, तो सपोज यहाँ पे अगर मान लूँ TC जो है वो है टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्व, यानी आपने वॉल्व को क्लोज करने में कितना टाइम लगाया। तो अगर वो ये जो टाइम है, ये प्रेशर वेव जितना ट्रेवल करके आई उससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, धीरे धीरे आप क्लोज कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व। वही अगर ये टाइम ऑफ क्लोजर TC की वैल्यू 2L/C से कम हो गई, यानी एकदम सडन आपने क्लोज कर दिया और प्रेशर वेव जो है वो ट्रेवल हो के आ ही रही थी, उससे पहले ही आपने सडन क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, ये आपका एक जर्क यहाँ पे आ जाएगा, पाइप में जर्क लगेगा, यानी झटका एकदम होगा क्योंकि आपने सडन क्लोज कर दिया। तो ये आपका कहलाता है सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व। तो इसमें दो टाइप्स हैं, सपोज फर्स्ट जो आता है आपका, एक टर्म होता है व्हेन पाइप में जो है ग्रेजुअल क्लोजर हो रहा है, यानी आप धीरे धीरे वॉल्व को क्लोज कर रहे हैं, ये जो होता है रिजिड और इलास्टिक पाइप्स, दोनों टाइप्स के पाइप का केस है, कि चाहे वो रिजिड पाइप की बात कर रहे हो चाहे इलास्टिक पाइप्स की बात कर रहे हो। तो अगर ग्रेजुअल क्लोजर कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम ऑफ क्लोजर है वो ग्रेटर देन है 2L/C से, यानी प्रेशर वेव का जितना टाइम लग रहा है कवर करने में, उसको आपने उससे उसमें जो है वॉल्व को क्लोज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी TC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो इस केस में जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो होती है रो LV/TC, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है आपकी प्रेशर की होती है रो एल वी, यानी रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, एल जो है लेंथ ऑफ पाइप, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, TC जो है टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल्व। तो ये फॉर्मूला जो है ध्यान रखिएगा ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व के केस में। अब बात करते हैं सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व, जब वॉल्व जो है वो सडन क्लोज कर दिया, सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व, तो ये जो है बात कर रहे हैं रिजिड पाइप्स में, इन रिजिड पाइप्स। तो रिजिड पाइप के केस में अगर आपने सडन क्लोजर कर दिया, यानी जो टाइम ऑफ क्लोजर है वो लेस देन है 2L/C से, तो इस केस में जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो आती है रो वी इंटू सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जहाँ पर सी इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट के अपॉन रो, जहाँ के आपका वर्क मॉडलस है, रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड आता है सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व इन इलास्टिक पाइप्स। इलास्टिक पाइप की अगर आप बात करें क्या होगा उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी होगी,
तो इलास्टिक पाइप में अगर आप बात करते हैं तो जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है आपकी रो वी इंटू सी, यानी रो वी सी ही होती है, बट यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज है। सी इक्वल टू होता है यहाँ पे अंडर रूट, जैसे उसमें के अपॉन रो था, तो बस इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं इसमें, वन प्लस डी बाई टी इंटू के बाई ई। ठीक है, तो ये टर्म जो है और ऐड कर देंगे, जहाँ डी डायमीटर ऑफ पाइप है, टी थिकनेस ऑफ पाइप है, के जो है बल्क मॉडुलस है, ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है पाइप की, क्योंकि इलास्टिक पाइप है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी यूज़ करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी। तो फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो वी इंटू सी, यानी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, के अपॉन रो वन प्लस डी बाई टी इंटू के बाई ई। तो ये आपका कहलाता है प्रेशर इन सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व इन इलास्टिक पाइप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप वेरीज डायरेक्टली एज, यानी कि जो हेड लॉस है टर्बुलेंट फ्लो में पाइप में वो डायरेक्टली किसके साथ वेरी कर रहा है। तो अगर आप बात करते हैं हेड लॉस की, तो आपको पता है डार्सीज लॉ टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो दोनों के लिए वैलिड होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू डी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये किसके साथ वेरी कर रहा है, एक तो आपका लेंथ ऑफ पाइप के साथ वेरी कर रहा है, दूसरा जो है वेलोसिटी वी स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रूट ऑफ वी, ये स्क्वायर रूट हो गया वेलोसिटी का, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। लेंथ ऑफ द पाइप, तो आपको पता है लेंथ ऑफ द पाइप के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसके साथ भी वेरी कर रहा है डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। क्यूब रूट ऑफ वेलोसिटी, क्यूब रूट का मतलब है कि यहाँ पे जो है इस टाइप का आप फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत है, यानी कि बी और सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन, मैग्नीट्यूड जो है वाटर हैमर का किस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो लेंथ ऑफ द पाइप पर भी डिपेंड कर रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, और रेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ फ्लो, यानी कि जैसे कि अगर आप ये फॉर्मूला भी देखें, रो एल बी अपॉन टी सी, जो ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व के केस में है, तो इस केस में ये लेंथ ऑफ द पाइप पर भी डिपेंड हो रहा है, रेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ फ्लो यानी कि जो टाइम है क्लोजर ऑफ वॉल्व का उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और इलास्टिक प्रॉपर्टीज, चाहे इलास्टिक पाइप है या रिजिड पाइप है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो सारे ऑप्शंस करेक्ट है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिप्लेस अ कंपाउंड पाइप बाई अ न्यू पाइप द पाइप्स विल बी इक्विवेलेंट व्हेन बोथ पाइप्स हैव सेम, यानी कि अगर कोई कंपाउंड पाइप है, चाहे आप सीरीज कनेक्शन में देख लें, चाहे आप पैरेलल कनेक्शन में देख लें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, आप किससे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो डिस्चार्ज है वो सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हेड लॉस है, चाहे आप पैरेलल पाइप्स की बात कर लें, तो आपको पता है इसमें भी आप क्या कंपेयर करते हैं कि जो हेड लॉस की वैल्यू है ये कितनी है और डिस्चार्ज कितना है, उससे कंपेयर करके जो है आप दूसरा पाइप इक्विवेलेंट पाइप बनाते हैं। तो देख लीजिए, व्हेन बोथ पाइप्स हैव सेम लेंथ एंड फ्लो, तो ये तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लेंथ इसकी अलग है, इसकी लेंथ अलग है, और ये L2 है, तो आप लेंथ से कोई मतलब नहीं है, डायमीटर एंड फ्लो, डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, लॉस ऑफ हेड एंड फ्लो, तो आप ये देखते हैं कि हेड लॉस सेम होना चाहिए और डिस्चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स, अगर पैरेलल पाइप्स की बात करते हैं, तो फ्लो इन ईच पाइप इज सेम, यानी हर पाइप में जो फ्लो है वो सेम है, ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर पैरेलल पाइप्स की अगर आप बात करते हैं, तो ये डिस्चार्ज सपोज Q आ रहा था, तो एक पाइप में सपोज Q1 चला गया, दूसरा पाइप में Q2, यानी जो डिस्चार्ज है वो अलग अलग पाइप्स के सम के डिस्चार्ज के इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हेड लॉस इन ईच पाइप इज सेम, यानी कि उस पाइप में जो है एच एफ वन इक्वल टू एच एफ टू, पैरेलल पाइप के केस में जो हेड लॉस होता है वो दोनों ही पाइप में क्या रहता है, सेम रहता है। हेड लॉस डिपेंड्स अपॉन फ्लो कंडीशंस, तो ये फ्लो कंडीशन पर डिपेंड करता है, नहीं करता। टोटल हेड लॉस इज सम ऑफ हेड लॉस इन इंडिविजुअल पाइप्स, ये आपका सीरीज कनेक्शन का केस हो गया। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेड लॉस जो है वो हर पाइप में क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज मैक्सिमम व्हेन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज, यानी कि पावर जितनी ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपका जो हेड लॉस है वो किसके इक्वल होना चाहिए,
एच बाई थ्री के इक्वल होना चाहिए, तो उस केस में जो है वो पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट होगी, और इस केस में जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी होती है वो कितनी हो जाती है आपकी 66.67%। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाफ ऑफ टोटल हेड सप्लाइड यानी एच बाई टू के इक्वल होगा, या एच एफ की वैल्यू 1/3 ऑफ टोटल हेड सप्लाइड एच बाई थ्री के इक्वल है, या एच बाई फोर के इक्वल है, या इक्वल टू दी हेड सप्लाइड। तो आपको पता है अगर ये 1/3 हो गई वैल्यू फ्रिक्शनल हेड की, तो उस केस में जो है पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।